नमस्ते शेतकरी भाईयो, मैं बाळासाहेब मराळे ॲटपोस्ट शहा तेल सिन्नर डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे इंडिया से बहुत सारे किसान फ़ोन करके पूछ रहे कि भाई हमें ड्रमस्टिक का प्लांटेशन करना है, जिसे सहजन बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं और ड्रमस्टिक बोलते हैं, और अलग अलग भारत के देश के अलग अलग स्टेटों में इसका अलग अलग नाम है। सारे गावा बोलते हैं गुजराती में, सारे गावी बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। तो जो सहजन होता है, सहजन का की जानकारी हम लेंगे, उसकी प्लांटेशन की जानकारी लेंगे, उसका प्लांटेशन कब करना चाहिए, कितनी दूरी में करना चाहिए, कौन से महीने में करना चाहिए, उसका कितना प्रोडक्शन मिलता है, कितना नफ़ा होता है, मार्केट में उसे कैसे रेट मिलते हैं, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम लेंगे। तो किसान भाइयों, मैं 25 साल हो गए, 25 साल से ड्रमस्टिक जहाँ सहजन बोलते हैं उसकी खेती कर रहा हूँ, और इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे बात करूँगा कि नए किसान भाई जो है जो ड्रमस्टिक यानी सहजन की प्लांटेशन करना चाहते हैं तो उन्होंने किस तरह से प्लांटेशन करना चाहिए, कौन सी वैरायटी करना चाहिए जिसके लगाने से उनको नफ़ा अधिक मिले, मार्केट में अच्छा दाम मिले और उनकी सहजन की खेती सक्सेसफुल कैसे हो, इसके बारे में आज जानेंगे। किसान भाइयों, भारत में यानी इंडिया में, मैं जहाँ महाराष्ट्र में काम करो हो तो ड्राई इलाका है जहाँ काम करता हूँ, इंडिया में उसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सभी जगह में ड्रमस्टिक यानी सहजन मोरिंगा को लगाया जा सकता है। इसे बहुत कमी पानी की ज़रूरत होती है, इसे खाद कम देना पड़ता है, उसके ऊपर दवाई कम छिड़कनी पड़ती है और मार्केट में आप पूछेंगे जो उसके अच्छे दाम रहते हैं। ये किसान भाइयों, ड्रमस्टिक की जो खेती है उसकी जो मिट्टी चाहिए उसे, तो कौन सी भी मिट्टी में आप प्लांटेशन कर सकते हैं, काली मिट्टी हो, पथरीली मिट्टी हो, रेड मिट्टी हो, कौन सी भी मिट्टी रहे तो उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं, उससे मिट्टी की कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहली बात है कि जो दोनों पेड़ों की दूरी है, तो जहाँ काली मिट्टी है वहाँ 12x6 पर प्लांटेशन किया जाता है, जहाँ थोड़ी सी मुरमाड़ पथरीली है, रेड टाइप की मिट्टी है, वहाँ 10x6 में प्लांटेशन करेंगे। 12x6 में प्लांटेशन करते पर एकड़ में 600 पौधे बैठते हैं, 10x6 में प्लांटेशन करते पर एकड़ में 700 पौधे बैठते हैं। तो उसको कब लगवाना चाहिए, तो उसे जून से लेकर, जून जुलाई से लेकर फेब्रुवरी तक, यानी जून जुलाई में प्लांटेशन करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन अच्छा जो कालावधि होता है उसका समय से बारिश के समय में, जहाँ भी बारिश कम गिरती है कि कोई किसानों के पास पानी नहीं रहता, समर में पानी नहीं रहता, इसीलिए जून जुलाई में प्लांटेशन करेंगे तो अच्छा है, बारिश का मौसम होता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, और जून जुलाई में प्लांटेशन करता है करते हैं एकदम मई में भी करते तो बहुत अच्छा है, मई जून जुलाई में प्लांटेशन करते तो नवंबर दिसंबर में उसका माल आपको आना शुरू हो जाता है, तब मार्केट में सबसे अच्छे रेट मिलते हैं। पिछले साल का करेंगे तो मार्केट में पिछले साल में 140 रुपये केजी से 250 रुपये केजी तक नवंबर दिसंबर में ड्रमस्टिक के यानी फली के रेट थे। तो जो लगाने का समय है जून जुलाई से लेकर फरवरी तक आप कभी भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, कितनी दूरी में लगाए, तो वो जो है 12x6 जब हम इस प्लॉट में है, तो हमारा प्लॉट है तो देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है 12x6 का है, ये दो पेड़ों का जो दो गली का जो डिस्टेंस है वो 12 फुट का है, दो पेड़ों का जो डिस्टेंस है 6 फुट का है, 12x6 में प्लांटेशन करो। दूसरा जो डिस्टेंस का है 10x6 में 700 पौधे बैठते हैं। तो लगाने का जो तरीका है, तो मिट्टी जो है आप नांगरट कर लो, नांगरट करने के बाद उसे प्लेन करो और रोटावेटर करके प्लेन करो और दूरी के सही से आप उसे आँक लो। आँकने के बाद उसमें जो है जहाँ भी पौधा लगाना है वहाँ पौधा लगाने के पहले गोबर का खाद 1-2 kg, 150-200 ग्राम नीम की पाउडर और 150-200 ग्राम सुपर फास्फेट, ऐसे तीनों मिलाकर वो गड्ढे में डाल देने का है, और पौधा जो है वहाँ 45 या 50 दिन का पौधा उसमें लगवाना है। लगवाने के बाद जो 6 महीने में उसका प्रोडक्शन चालू होता है। अब कौन सी वैरायटी लगे, तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी ड्रमस्टिक की आपको मिलेंगी,
कोई शॉर्ट टर्म की वैरायटी, कोई लॉन्ग टर्म की वैरायटी है, कुछ खूब लंबी वाली वैरायटी जैसे PKM 1 PKM 2 जो वैरायटी है मार्केट में, तो वो बहुत लंबी वाली 2.5 फुट 3 फुट होती है, उसकी जो लाइफ है 3-4 साल की रहती है। तो हम जिस वैरायटी पर काम करें रोहित वन वैरायटी है, जैसे 25 साल से हम उसके इसका रिसर्च से हमने किया है, मराठी ड्रमस्टिक फार्म का रिसर्च सेंटर है, और यहाँ से ये वैरायटी 2010 में रिलीज़ हुई है और पूरी वर्ल्ड में पॉपुलर हुई, महाराष्ट्र में नहीं तो इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। जैसे उसका प्लांटेशन अमेरिका में भी हुआ है, जापान में भी हुआ है, नाइजीरिया में भी हुआ है, श्रीलंका में भी हुआ है और अदर देश में भी प्लांटेशन हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। तो पिछले 25 साल से ड्रमस्टिक पर हम काम कर रहे हैं और इस फली की जो होता है वो एक्सपोर्ट में होता है, हम खुद 15 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएँ मैं बताता हूँ। ये लगाने के बाद रोहित वन्य जो ड्रमस्टिक की वैरायटी, वो लगाने के बाद 6 महीने में उसकी फली शुरू होते हैं। पहले 6 महीने 10-15 kg प्रति पेड़ प्रोडक्शन आता है, साल में 2 बार उसका प्रोडक्शन मिलता है, नवंबर से लेकर फरवरी तक और मार्च से लेकर जून तक, ऐसे 6 महीने में नॉन स्टॉप प्रोडक्शन मिलता है। और इसकी लाइफ जो है 10 साल की लाइफ है, एक बार लगाने के बाद वो लंबी समय तक चलने वाली ये वैरायटी है, 10 साल तक चलने वाली वैरायटी है, 10-12 साल तक आराम से ये चलती है। उसकी जो फली का रंग होता है वो ग्रीन होता है, ये आप पेड़ पर देखते होंगे, ये अभी बनी नहीं है लेकिन बनी हुई ये फली है, वो आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 1.5 की 2 फुट की है, ये सभी फली वही है, ये 1.5 फुट की है, 1.5 की 2 फुट की ये जो फली है उसका पूरा ग्रीन है। अभी यह देखेंगे तो अभी हमारा जो वीडियो बन रहा है इस समय इस यहाँ जगह पर 45 डिग्री का तापमान चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे तापमान में उसका कलर देखो ग्रीन का ग्रीन ही है, यानी कितनी भी धूप का मौसम हो कैसे हो उसका कलर छोड़ती नहीं। बाकी की अदर वैरायटी आप देखेंगे तो उसका कलर डिम हो गया है, अभी इतनी 45 डिग्री तापमान में उसका कलर डिम हो जाता है, पीला पड़ जाता है, लेकिन ये जो रोहितवन वैरायटी इसकी यही विशेषता है कि वो कौन से भी टेम्परेचर में कितने भी डिग्री तापमान में इसका कलर ग्रीन की ग्रीन रहता है। इसकी लंबाई आप देखेंगे तो 1.5 की 2 फुट की लंबाई है, आप ये गोलाई देखेंगे तो 14 mm की फली है और ये देखेंगे तो ये 16 mm की फली है, 14 से 16। अब दोनों बोलेंगे तो इसमें दोनों में क्या फर्क है, ये लोकल के लिए चलती है और एक्सपोर्ट के लिए चलती है, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी 2-4 दिन के बाद तो उसकी एक्सपोर्ट की क्वालिटी बनती है, और एक्सपोर्ट में जो साइज़ लगती है वो 1.5 की 2 फुट में साइज़ लगती है। ऐसे ही इसकी वैरायटी है, पिछले 15 साल से हम लंदन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बाकी के औदर किसान हैं वो कुछ दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सिंगापुर में कर रहे हैं, कुछ किसान श्रीलंका में कर रहे हैं, कुछ किसान यूरोप में कर रही है, ऐसे अलग अलग स्टेटों में किसान जो रोहितवन का प्लांटेशन किया वो एक्सपोर्ट करते हैं। आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना कोई कठिन काम नहीं है, आप एक्सपोर्ट के जरिए से कर सकते हैं, और बड़ा प्लांटेशन करते हैं आप खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अधिक नफा कमा सकते हैं। अभी ये वैरायटी की बात हुई है, अब वैरायटी की विशेषता मैंने बताई, आप इसके बाद में उसे पहले 6 महीने में कितनी फली आएगी, तो पहले 6 महीने में 10 से 15 किलो फली आएगी, दूसरे 6 महीने में दूसरे साल में जो आए हैं दूसरे साल में दोनों बाहर धर कर साधारण 20-25 kg आते हैं, और तीसरे बाहर से 35-40 kg पर साल में उसका प्रोडक्शन मिलता है। पर एकड़ का जर विचार करेंगे तो पर एकड़ में 10 टन से कम 10 टन से 16 टन के बीच में आपका प्रोडक्शन मिलता है, और उसकी परे मार्केट की जो प्राइस है अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट है, तो उसमें से कम उसे 15-20 रुपये kg से उसका कम से कम मार्केट रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये सालाना का एवरेज पकड़ते तो 50-60 रुपये kg का एवरेज मिलता है, और पर एकड़ का पर साल का पकड़ के 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में इसका होता है, खर्चा हो जाता 2-2.5 लाख रुपये पर एकड़ का प्रॉफिट रहता है, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। कई जगह पर इससे आधा भी नफा ज़्यादा भी नफा मिलता है, उनका व्यवस्थापन होगा, उसका पानी की सुविधा होगी तो व्यवस्थापन अच्छा करते हैं, तो पर एकड़ 4 लाख तक भी प्रोडक्शन गया है जाता है, लेकिन हमारा यह जो एरिया है वो ड्राई एरिया है, इसकी वजह से हमारा जो इनकम है वो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में पर एकड़ कर रहा है। अब बहुत साल से लोग ये भी पूछ रहे कि हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट के बारे में ये वैरायटी एक्सपोर्ट में ही चलती है, लोकल में भी चलती है, और इंडिया के सभी मार्केट में अच्छी तरह से इसे दाम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से पौधे लेकर और जो किसान इंडिया के सभी स्टेटों में गए तो वहाँ मार्केट में उच्च अच्छा रेट मिलता है। इसका अच्छा रेट मिलने का तरीका क्यों है कि इसका कलर और शाइनिंग, इस फली का जो कलर है कलर डार्क ग्रीन है, और इसकी जो लाइन की शाइनिंग है वो शाइनिंग है, शाइनिंग की वजह से हर मार्केट में उसे दाम अच्छा रेट मिलता है, और इस प्रकार से
आप ड्रमस्टिक का प्लांटेशन कर सकते हैं। हम 25 साल से इस पर काम कर रहे हैं, 25 साल के एक्सपीरियंस से हम ये बात कर रहे हैं कि ड्रमस्टिक की खेती जो है कितनी करनी चाहिए। तो आपकी सबसे कम से कम 2 एकड़ सिस्टम करनी चाहिए, कम से कम 2 एकड़, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं, 5 एकड़ कर सकते हैं, 10 एकड़ कर सकते हैं, 50 एकड़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है, जो इंडिया के सभी जगह से जो किसान भाई आते हैं, कोई 10 एकड़ करने वाला है, 50 एकड़ भी करने वाला है। लेकिन जो नए आदमी हैं, जो जिनके पास ज़मीन कमी है, पानी कमी है, तो कम से कम 2 एकड़ से आप स्टार्ट करो और आगे बढ़ा सकते हैं। और 10-15 एकड़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो शेतकरी भाइयों, मैंने आज मेरे एक्सपीरियंस से जो है ड्रमस्टिक यानी सहजन को किस प्रकार से लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कितनी दूरी में लगाना चाहिए, पर एकड़ कितना नफ़ा मिलता है, उसके मार्केट रेट क्या मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। तो किसान भाइयों, जिनको लगवाना है, करना चाहते हो, हमसे संपर्क करें। रोहित का जो पौधे है वो हमारे पास मिलते हैं, उसकी बुकिंग करेंगे और उसका गाइडलाइन भी आपको पूरा की पूरा मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बात। आपको कुछ शंका है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।